हेलो नमस्ते फ्रेंड, माय सेल्फ प्रदीप दास, आई एम फ्रॉम गोरिया स्टेशन। एक्चुअली मुझे फिशिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो फिशिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो भी यूट्यूब में देख चुका हूँ। एंड बिस्मिल्ला फिशिंग जो है यूट्यूब चैनल, उसको मैं फॉलो करता हूँ, जो है महबूब दा का। तो उनसे मैंने व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट भी किया। कॉन्टेक्ट करने के बाद कुछ सामान खरीदने के लिए गया था। एक्चुअली मैं एकदम बिगिनर हूँ, मतलब फिशिंग के कोई आइडिया मुझे नहीं है। तो मुझे खरीदना था एक कार्बन फाइबर का रॉड, जो थोड़ा महंगा ही आता है, अच्छा कंपनी का अगर आप लेते हो। तो मैं महबूब दा से कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे पर्सनल सजेस्ट किया कि मैं बिगिनर हूँ, मैं महंगा रॉड अगर कार्बन का यूज करता हूँ तो मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, तो वो टूट सकता है, तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसने मुझे पर्सनली ग्लास फाइबर रॉड के लिए सजेस्ट किया, जो है ये वाला। अगर महबूब दा चाहता तो शायद कॉस्टली बिजनेस के लिए कॉस्टली सामान मुझे सेल कर पाता, लेकिन उन्होंने मुझे ये ग्लास फाइबर रॉड के लिए मुझे सजेस्ट किया, जो थोड़ा हेवी है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस फ्रेंड मैंने यूज करके देखा, बहुत अच्छा है। तो थैंक्स टू महबूब दा, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा रॉड सजेस्ट किया। तो ये रॉड का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जैसे कि नॉर्मली टू पीस रॉड का जो है ना, वो यहाँ से खुल जाता है, तो एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा कि ये यहाँ पे नट सिस्टम है, जो डाल के आप टाइट कर सकते हो, तो इससे रॉड पूरा फिक्स रहेगा, तो ये आपका खुलेगा नहीं। ये जो है ये चीज बहुत अच्छा है, ये आप जितना भी टानोगे ये खुलेगा नहीं, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यूज करते करते ना ये चीज खराब हो जाता है। तो ये रॉड का इस चीज भी बहुत अच्छा लगा, और ये स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा है। ये आपका अगर 30 या फिर 25-30 किलो का भी मछली होगा ना, तो ये ट्रोल नहीं पाएगा। इसका मैं चैलेंज करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इसको, जब मेरा बड़ा मछली लगा था वो थोड़ा बैंड हो गया था, लेकिन ये टूटा नहीं, बहुत स्ट्रांग है। सो अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि आप ले सकते हो, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ, मैं यूज करके देखा, ये मुझे अच्छा लगा। मैं कुछ बिजनेस नहीं करता हूँ, तो मैं जितना भी आपको सजेस्ट करूंगा मैं ऑनेस्टली करूंगा, और आप महबूब दा से तो कॉन्टेक्ट कर ही लोगे, तो वो एकदम सब मतलब सजेस्ट कर देगा। इनके लिए भी सजेस्ट किया, वो है डाइवा का, डाइवा MGS 4000, बहुत स्मूथ है फ्रेंड, और इसको चलाने में भी बहुत मजा आता है, एकदम इजी है, और पूरा स्टील बॉडी है, तो ये उतना इजी नहीं है टूटना, इसका बॉक्स के साथ आता है। और इसके साथ साथ मुझे एक लाइन भी दिया है, जिसका वेट कैपेसिटी है 40 किलो का, और साथ में दिया है मुझे ए हुक, जो यहाँ पे नॉर्मली नहीं मिलता है फ्रेंड। इसको आप देखिए ठीक से, ये थोड़ा टेढ़ा है। इसका एक्चुअली बेनिफिट है कि ये आपका ऑटो हुक हो जाता है, इसके लिए आपको मतलब जब मछली आपका लगता है तो उसके लिए आपको पुल करना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक हुक हो जाता है, सिर्फ आपको स्ट्रॉल करके मछली को लाना होता है बस। तो महबूब दा ने ये भी मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने देखा कि सच में काम करता है। मेरा जो मछली लगा था फर्स्ट, वो ऑटो हुक हो गया था, उसको मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं था, तो ये हुआ था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महबूब दा ने मुझे मतलब सामान ही सेल किया, उन्होंने मुझे एज ए ब्रदर मुझे बहुत सारा टिप्स भी दिया किचन से, जैसे कि क्या चारा डालना चाहिए, कौन सा मछली के लिए, कैसे जगह सिलेक्ट करना चाहिए फिशिंग के लिए, कैसा वाटर होना चाहिए, मतलब सब कुछ गाइड किया मुझे। और उनका जो चारा मैंने यूज किया, उन्होंने कुछ केमिकल के बारे में भी बताया जो यूज करना है उसके साथ, तो वो महबूब दा से आप कॉन्टेक्ट कर लेगी या तो आपको भी बता देगा वो सामान के बारे में। तो मैंने जब वो ले जाके यूज किया फ्रेंड, विद इन 10 मिनट्स मेरा फर्स्ट सिकर लगा, और वो सिकर लगने के बाद फिर जब मैं ट्राई किया तो फिर मेरा मछली लगा था, लेकिन हालांकि मैं बिगिनर हूँ तो वो मैं नहीं ला पाया, बड़ा मछली था तो निकल गया, क्योंकि रूप की वजह से कट मेरे लाइन जो है वो फंस गया था, वो कट गया था मछली, तो निकल गया, तो मैं नहीं पकड़ पाया वो मछली, में वो मछली निकल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने सक्सेस मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा। और महबूब दा ने मुझे जैसे बताया था कि सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे मछली अच्छा लगता है, तो फ्रेंड उसी टाइम पे ही मेरा मछली लगा था, बहुत अच्छा मछली मतलब वहां पे लगा था, लेकिन मैं नहीं ला पाया। तो महबूब दा शायद मेरे साथ नेक्स्ट जब मैं फिशिंग करने के लिए जाऊंगा, मेरे साथ जाएगा, तो डेफिनेटली उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये वीडियो बनाया था महबूब दा को थैंक यू बोलने के लिए, सो थैंक यू सो मच महबूब दा, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए। तो
नेक्स्ट अगर आपके साथ मैं जा पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो थैंक यू. एंड वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो बेसिकली जो जो सामान मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया. तो और भी आपको कुछ जानना है तो मैं उधर है आपको हेल्प करने के लिए. तो गुड नाइट फ्रेंड, बाय, थैंक यू. বন্ধুরা, এক্ষুনি একটা বড় মাছ খেয়েছিল. প্রায় আধ ঘন্টা ধরে আমরা আনার চেষ্টা করলাম, বাট আলটিমেট বোল্ডারের কাছে দুইটা আটকে গিয়ে চলে গেছে মাছটা. তো খুলে গেছে, দেখ তো, টান তুলে দেখবে, ঠিক আছে মাছ, যা. থ্রেডটা কেটে নিয়ে চলে গেছে, বিকজ বোল্ডারে আটকে গেছিলো, তো সুতো দেওয়ার স্কোপ ছিল না. তো মাছটা বেরিয়ে চলে গেছে. দিস দ্য সেকেন্ড টাইম, বিকজ মর্নিংয়েও একটা সেম ইনসিডেন্ট হয়েছে আমার সাথে, আবার সেকেন্ড টাইম সেম প্রবলেম হলো. সো আমার দুটো হুক প্লাস মাছ দুটোই বেরিয়ে গেছে. ফাক.